आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का पाठ एक पढ़ाने जा रही हूँ, कक्षा सात की। मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहिता श्रीवास्तव हूँ। अब बच्चों, बहुत ध्यान से आप अपनी व्याकरण को पढ़िए। आज आपका पाठ है भाषा और व्याकरण। तो पहले बच्चों, हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब जन्म लेने के बाद बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तो अपनी भाषा बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तो वो अपनी भाषा बोलने लगते हैं, जैसा कि वो अपने घर में सुनते हैं बच्चों। और जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं तो लिखना पढ़ना उन्हें आने लगता है, वो लिखना पढ़ना सीखने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमें बोलना और लिखना क्यों आवश्यक है? क्या बिना बोले आप अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं, या कोई ना बोले और हम उसकी बात को समझ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। जब कोई बोलेगा तभी तो हम उसकी बात को समझेंगे, और जब हम बोलेंगे तब वो हमारी बात को समझेगा। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे जब कभी संदेश भेजते हैं, या जैसे कभी हमारे घर का कोई बाहर रहता है, या कोई बच्चे जैसे हॉस्टल में रहते हैं और वो अपने घर को जो है पत्र के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं, या कोई उनको आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो उन्हें सूचना देना चाहते हैं, तो बच्चों वो पत्र का जो है प्रयोग करते हैं, पत्र को लिखते हैं और पत्र के माध्यम से अपनी बात को अपने माता पिता तक पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों, अब तो व्यक्ति मोबाइल में बात कर लेता है, तो जो हम बात करते हैं मोबाइल में भी हो तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। और जो हम लिखते हैं वो होती है लिखित भाषा। जो इस तरह से मनुष्य अपने मन की बात या अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है बच्चों, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा, ये तो बच्चों हमने आपको विस्तार में बताया कि भाषा किसे कहते हैं। अब आप भाषा की परिभाषा सुनिए। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भावों को या विचारों को समझता है, यानी अपनी बात को दूसरे को समझाता है और दूसरे की बात को स्वयं समझता है, उसे भाषा कहते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह का इशारों का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। कभी कभी हम इशारे का प्रयोग करते हैं, इशारे से किसी को कोई चीज समझाते हैं, तो ऐसी भाषा को हम जो है सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कभी कोई ताली बजाकर किसी की तरफ इशारा कर रहा है, और कभी कुछ बजा के किसी की तरफ इशारा कर रहा है, इस भाषा को बच्चों सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार हमें भाषा के बच्चों दो रूप देखने को मिलते हैं, एक उच्चरित या बोलकर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे चाहे उच्चरित भाषा कहो और चाहे मौखिक भाषा। उच्चरित का मतलब जो हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, यानी बोल करके समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाषा को हम लिख करके समझाते हैं उसे बच्चों लिखित भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा, यानी एक उच्चरित भाषा और एक लिखित भाषा। उच्चरित भाषा बच्चों किसे कहते हैं? भाषा का बोल चाल वाला रूप ही उच्चरित भाषा होता है, जो हम आपस में बोलते चालते हैं उसे उच्चरित भाषा कहते हैं। उच्चरित भाषा या मौखिक भाषा जो है बहुत पुरानी भाषा है। पहले बच्चों बहुत समय पहले लिखा नहीं जाता था, लोग बोल करके ही अपनी भाषा को प्रकट करते थे और उसे समझते थे और उसे जो है अपने पास संजो कर रखते थे। लेकिन मौखिक भाषा बच्चों, मौखिक भाषा का विस्तार बहुत है, उसे हम बहुत दिनों तक याद करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ा, लिखित भाषा की आवश्यकता हुई। तो
तो बच्चों जो है लिखित भाषा जब है, जब श्रोता हमारे सामने नहीं होता है और हम अपनी बात को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे बच्चों जिससे हमें जो बात कहनी है, श्रोतक मतलब होता है सुनने वाला, उससे जो हमें बात कहनी है वो हमारे सामने नहीं है, तो बच्चों हम उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो जब व्यक्ति दूर है तो उस तक हम अपनी बात लिख करके पहुंचाएंगे। ऐसी भाषा को बच्चों लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा में, लिखित भाषा में जो है वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये भाषा का स्थायी रूप होता है। जो लिखित भाषा होती है बच्चों वो स्थायी रूप में होती है, और जो मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी रूप में होती है, क्योंकि मौखिक भाषा विस्तार में होती है और लिखित भाषा संक्षेप में होती है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर, यानी उच्चरित भाषा में अंतर क्या होता है। तो उच्चरित भाषा का मतलब हमने बताया मौखिक। तो उच्चरित भाषा का आधार ध्वनि है। उच्चरित भाषा यानी मौखिक भाषा का जो आधार होता है वो ध्वनि, यानी हम अपनी आवाज के द्वारा या दूसरे की आवाज के द्वारा बच्चों भाषा को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा का आधार जो होता है वर्ण होता है। लिखित भाषा का आधार क्या होता है? वर्ण। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो एक-एक वर्ण जोड़ के बच्चों हम शब्द बनाते हैं, एक-एक शब्द जोड़ करके हम एक वाक्य बनाते हैं, और एक-एक वाक्य जोड़ कर हम एक पैराग्राफ बना देते हैं, और एक-एक पैराग्राफ जोड़ करके हम एक पाठ को बनाते हैं, और एक-एक पाठ जोड़ कर एक बच्चों किताब बन जाती है। तो ये तो होती है आपकी लिखित भाषा, इसका आधार होता है वर्ण। और फिर दूसरे नंबर पे उच्चरित भाषा बोल कर व्यक्त की जाती है। बच्चों जो उच्चरित भाषा यानी मौखिक भाषा है वो किसी के सामने बोल करके प्रयोग की जाती है, और लिखित भाषा लिख कर व्यक्त की जाती है। जैसे उच्चरित भाषा यानी मौखिक भाषा वो हम बोल करके दूसरे को समझाते हैं, और जो लिखित भाषा होती है उसको हम लिख करके दूसरों को समझाते हैं, या दूसरे की भाषा लिखित भाषा को हम समझते हैं। तीसरे नंबर पे है उच्चरित भाषा भाषा का अस्थायी रूप होता है। उच्चरित भाषा यानी जो मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी होती है, लेकिन लिखित भाषा का स्थायी रूप होता है। लिखित भाषा जो होती है उसका रूप स्थायी होता है। अब चौथे नंबर पे उच्चरित भाषा गतिशील होती है। बच्चे जो उच्चरित भाषा यानी जो हम बोल के समझाते हैं वो गतिशील होती है, उसको हम बोलते जाते हैं, जितना बोलते हैं उतना वो भाषा आगे बढ़ती जाती है, लेकिन लिखित भाषा जो है स्थिर होती है, उसकी एक सीमा होती है कि हमें इतना लिखना है। कोई चीज हम समझाते हैं बच्चों तो हम उदाहरण के उदाहरण देते चले जाते हैं, वो बहुत विस्तार में हो जाता है, लेकिन जब उसी चीज को हम लिखते हैं तो वो एक स्थिर रूप हो जाता है, मतलब कि हम बहुत थोड़े में उसको संक्षेप में लिख देते हैं। उच्चरित पांचवा नंबर है उच्चरित भाषा भाषा का प्रधान रूप होता है। उच्चरित जो भाषा होती है यानी मौखिक भाषा होती है वो भाषा का प्रधान रूप होता है, वो जिस उसको हम बहुत बड़े रूप में समझा सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा भाषा का गौण रूप होता है। जो लिखित भाषा होती है वो बहुत छोटे रूप में लिख करके समझाई जाती है। अब ये तो आपने पढ़ा उच्चरित भाषा यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। लिपि है, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रत्येक भाषा में उच्चरित रूप को लिखित रूप में बदलने के लिए लिखित चिन्हों का या वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों जो हम लिखते हैं उसमें हमें वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तो एक एक वर्णों को हम मिला के लिखेंगे तो हमें वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। तो लिखित भाषा में वर्णों की इसी व्यवस्था को बच्चों लिपि व्यवस्था कहते हैं। अब लिपि किसी भाषा के उच्चरित रूप को लिखकर प्रयोग करने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये आपने बच्चों पढ़ा लिपि। अब है व्याकरण। क्या है व्याकरण? जैसा कि आपने पढ़ा भाषा और व्याकरण, बच्चों व्याकरण क्या है? हर भाषा के कुछ नियम होते हैं बच्चों, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर हम उस भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूपों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का नियम
क्रमशः हिंदी भाषा में जो नियम होते हैं उसमें पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, बच्चों इसमें बच्चा जो है वो कर्ता है और दूध जो है वो कर्म है और पी रहा है जो वो क्रिया है। ये तो व्याकरण की व्यवस्था हो गई। अब व्याकरण की परिभाषा। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को बच्चों व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत नियमों का अध्ययन प्रमुख रूप से तीन शीर्षकों के अंतर्गत आता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहले बच्चों हम वर्ण सीखते हैं, फिर वर्णों को जोड़कर हम शब्द सीखते हैं और फिर शब्दों को जोड़कर हम वाक्य सीखते हैं। हमें आशा है बच्चों कि आपको ये पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जब इसकी नोट्स आप नोटबुक में जो भी आपको लिखित दिया जा रहा है उसको आप व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और बच्चों जो लिखेंगे आप उसको पूर्ण रूप से याद करते भी रहेंगे। धन्यवाद।